दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 10 मार्च के रोज तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी की तरफ से आज ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एक विशाल समावेश किया जा रहा है और लोग कल रात से ही पूरे बंगाल आते ही जा रहे हैं, तो महानगर कोलकाता के लोग पीछे कैसे हटे। इसी वजह से आज महानगर कोलकाता के 61 नंबर वार्ड की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया। 61 नंबर वार्ड के ब्लॉक ऑफिस से ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड तक। आपको बता दे, यह रैली वार्ड के काउंसिलर जनाब मंजर इकबाल और उनके बेटे और साथ ही साथ वार्ड के प्रेसिडेंट जनाब अजहर इकबाल के नेतृत्व में किया गया, जहां हजारों की भीड़ देखी गई। आपको याद दिला दे, पिछले कई महीनों से वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने केंद्रीय सरकार पे यह आरोप लगा रही है कि मनरेगा का पैसा केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है और धर्म की राजनीति कर देश का सेक्युलरिज्म को बर्बाद कर रही है, इसलिए आज यह जनगर्जन सभा बुलाया गया है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, कितना असर पड़ता है केंद्रीय सरकार को इस जनगर्जन सभा से। ने बच्चे, यूथ और ओल्ड जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये इसकी स्पेशल की सबसे बड़ी खूबी है कि ये लोग दो 2000 साल से मेरे साथ सीपीएम के खिलाफ लड़े थे और 2005 में इन्होंने इलेक्शन किया। टफ इलेक्शन था वो हम लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया और सीपीएम का डंडा ठंडा पड़ता गया जी। तो आज हम लोग इस सीपीएम ठंडा पड़ चुका है, लेकिन बीजेपी भारी पड़ चुका है। नहीं, बीजेपी भारी नहीं पड़ सकता, वो तो झूठा झूठा वादा करते हैं। पहले वो अपना गारंटी प्रूफ करे, 15 लाख रुपया पर वोटर को वो भेजेगा, उस गारंटी तो पूरा करे। काला 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 धन को लेके आएगा, वो सब झूठा वादा था, सब उसका ये था। तो ये झूठे लोग के फंदे से बंगाल को निकलना है और इंशाल्लाह निकलेगा। पूरा वादा कौन करेगा इस बंगाल के लिए? बंगाल के लिए जो कर रही है ममता बनर्जी वो करेगी, थोड़ा सा जी ममता बनर्जी कर रही है वो करेंगी। अच्छा, तो आज के इस मौके, खास मौके पे लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही देना चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान औरतें बूढ़े सभी ममता बनर्जी के साथ थी, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। भर के ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्ट्रिक्ट का मिसिल हो रहा है या बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी का मिसिल हो रहा है। 61 वार्ड के काउंसिलर जनाब मंजर इकबाल साहब के लीडरशिप में आज वार्ड के सारे सीनियर्स, सारे यूथ लीडर्स और आवाम भी देखा जा सकते हैं कि आज के इस मिसिल में हमारे नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी और लीडर श्री अभिषेक बनर्जी का आवाज़ में आज ये मिसिल को सपोर्ट करने रास्ते पे निकले हैं। और ये आज का मिचिल इस बात का गवाही देता है कि आइंदा आने वाला 2024 का इलेक्शन का बुगल बज चुका है। बालीगंज हो या वार्ड 61 हो या पूरे मगरी बंगाल हो या पूरे हमारे भारत देश हो, बुगल बज चुका है। और 2021 में बंगाल में बंगाल की जनता ने बीजेपी को हाफ किया था, 2024 में आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में बंगाल की जनता बीजेपी को साफ करने वाली है। क्या इस बार का भीड़ कितनी लग रही, कितनी हो गई? इस बार का भीड़ देखिए ब्रिगेड का भी, हम ही लोग का, आप 61 वार्ड का सिर्फ भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम किस तरह हमायत में अपनी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी और अपने नेता श्री अभिषेक बनर्जी के हमायत में पुकार पे आज आए हैं रास्ता पे। ये भीड़ सिर्फ पार्टी वर्कर, पार्टी कर्मी, पार्टी लीडरों का नहीं, बल्कि साधारण व्यक्ति, साधारण आवाम का भी है, जो लोग को केंद्र राजनीति वंचित कर रही है। 100 दिन का रोजगार, जो 100 दिन में जो रोजगार करते हैं वो काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं, वो लोगों का जो वंचित किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, आज इसके सपोर्ट में साधारण आवाम भी निकल चुका है और ये आवाज़ लगा रहा है कि ममता बनर्जी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे। और रहा बात भीड़ का, तो आज कम से कम ये अंदाज़ा हम सिर्फ 61 वार्ड से देख कर बता सकते हैं कि ब्रिगेड में भीड़ कम से कम 5 से 6 लाख का भीड़ होने वाला है। दिल्ली में जी हाँ, तो देखिए वो तो बंगाल, देखिए प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे, अपना हक है, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बंगाल के लोग टैक्स दे रहे हैं। हम लोग देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हम लोग घुटना नहीं टिकेंगे, आज देख रहे कैसा दो प्रयोग किया जा रहा है। केंद्र जितने भी जुडिशरी सिस्टम है,
चाहे आप जितना भी जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो भी आते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, किस तरह सारे जो अपोजिशन स्टेट हैं सभी को आज टॉर्चर किया जा रहा है, सभी को आज इंसल्ट किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या सारे अपोजिशन चोर है, आप साधु है? बीजेपी का क्या ऐसा वॉशिंग मशीन है जो जितने भी चोर जाते हैं धुलाई होकर वो सफ़ेद हो जाते हैं, चमक जाते हैं? एमएलए देखा जाता है, एमएलए पर बहुत सारी ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो बहुत सारे एमएलए आपके बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आपकी टीएमसी सीट कितनी कमजोर है? बीजेपी में कौन शामिल हो चुके हैं? हमारे एमएलए तो हमको नहीं लगता कोई शामिल हो चुके हैं। कितने एमएलए शामिल हुए बीजेपी से? लोग यहाँ बंगाल में आ रहे हैं बीजेपी से, कोई बीजेपी में तो अपने हमारे एमपी भी एमएलए कोई शामिल नहीं हुए अभी, एक से एमएलए। देखिए, वो ईडी और सीबीआई के डर से शामिल हुए, और अगर सुनिए, अगर आप तापस राय का बात बोल रहे हैं तो ईडी सीबीआई का डर से शामिल हुए, इतने सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ वो बीजेपी में शामिल होने के बाद से अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर चुके हैं।